मेरा नाम मोहम्मद शकील ईट वाला है, मोहम्मद शकील यूनुस ईट वाला। घटना एक कुछ दस एक महीने पहले हुई थी, जो बहुत दस एक महीने पुरानी इनकी अदावत थी, और कल रात को उनका खून कर दिया गया मेरे साले का। उनका नाम है साजिद सैफुर रहमान शेख। MD का नशा करके मारा गया उसको, बहुत बेरहमी से मारा गया है। उसके बॉडी के ऊपर तकरीबन कुछ 25 घाव है। कितने लोग थे? CCTV फुटेज में तो शायद 2 लोग का ही आया है। और मारने से पहले कोई धमकी दी हो या ऐसा? वो चल ही रहा था कुछ, जब से बना था 10-1 महीने पहले, तब से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। वो लोग पैसे मांग रहे थे फटाफट करने के, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे पैसे मांग रहे थे। और किस तरह घटना? मैं रात को जिम में था तो मुझे फ़ोन आया कि आपका जो साला है उसको ऐसे मारा गया है, तो सिविल हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैं सीधा पहले आलिशान कॉम्प्लेक्स पहुंचा, वहाँ से एक भाई को मैंने गाड़ी में बिठाया। बट जैसे ही सिविल के रास्ते में जाने लगा तो मेरे को साइड पे पुलिस की जीप और एम्बुलेंस दिखी, तो मुझे लगा ये वही बना होगा। तो मैं वहाँ पर रुक गया, वहाँ पर रुक कर देखा तो मैंने पहले एम्बुलेंस छानी, उसमें तो था नहीं। मेरे को पुलिस वाले ने पता कि बॉडी साइड पर पड़ी है, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि वो मर गया है। मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर चीखे पाड़ी पुलिस वालों को, एम्बुलेंस को, कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान थे, तकरीबन कुछ 25 घाव के निशान थे, और उसको जिसने मारा है वो कुछ MD का नशा करके उसको मारा गया है। क्या काम करता था? वो ट्रैवल्स का काम करता था, ट्रैवल्स के। कितने बजे मर्डर हुआ? रात को तकरीबन कुछ 8:30-9 बजे के बीच हुआ है ये।